और आज मैं गया हूँ नालठी में, और नालठी में देख सकते हो कि ये है हमारी पार्क जो पीछे है, बहुत ही मस्त है। और यहाँ पे अभी तो कोई नहीं है, मैं सुबह सुबह यहाँ पे आया हूँ, और यहाँ पे रिवर भी है, और गर्मी का टाइम है, बहुत ही अच्छा लगता है। जो भी यहाँ पे पिकनिक स्पॉट पे आता है तो वहाँ से नीचे चले जाता है, और वहाँ से रिवर का नज़ारा भी बहुत ही अच्छा है, देख रहे हो। और यहाँ पे पार्क है, बैठने के लिए भी बहुत ही अच्छी है, देख रहे हो, बहुत ही अच्छी है, बेंच भी हैं। और ये देखो जंगल, और फ्रेश हवा मिलती है सुबह सुबह। और मैं अभी इस नालठी पार्क में हूँ, और देख सकते हो यहाँ पे कितनी अच्छी पार्क है, और जंगल भी है, और यहाँ पे खेलने के लिए भी बहुत ही अच्छा है। आपको मैं बैक कैमरा करके दिखा सकता हूँ कि यहाँ की पार्क कैसी है। गाइस, ये है हमारी पार्क जो है नालठी में, आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे हर एक चीज़ दस्तियाब होती है। आप इस पार्क में आएँ, विज़िट करें, बहुत ही अच्छी पार्क है, और इसके साथ साथ बहुत ही जंगल है साथ में, और साथ में ही रिवर भी है, और रिवर आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। आप पानी से खेल भी सकते हो, इंजॉय भी कर सकते हो, बहुत ही अच्छा है। और ऊपर से इसके रोड भी है, और आसानी के साथ यहाँ पे गाड़ी भी आ सकती है आराम से, यहाँ पे पार्किंग भी है बहुत ही अच्छे तरीके से, और यहाँ पे खाने पीने की हर एक चीज़ मिलती होगा। कि मैंने आपको नालठी पार्क भी दिखाई, और मैं अब घर जा रहा हूँ। तो सुबह सुबह इतनी ठंड होती है, और ठंड में मैं यहाँ नालठी की तरफ आया था, तो थोड़ा कुछ काम था, तो इसीलिए मैं नालठी की तरफ आया था। वो बहुत ही ज़्यादा ठंड थी, आप देख सकते हो कि रोड में अभी कोई भी नहीं है मेरे सिवाय। तो मैं सुबह 7 बजे से आया हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा ठंड थी, और अभी देख सकते हो कि हमारे पीछे कोई भी नहीं है। ये नालठी जो पार्क है, उसके ऊपर जो है रोड है, यहाँ से गाड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा कम होती हैं, और कभी कभी होती हैं। तो शायद मिलते हैं कुछ टाइम के बाद। तो खाएगी छोले हैं। यहाँ पे कितने अच्छे हैं जंगल के नज़ारे, बहुत ही अच्छे नज़ारे हैं। तो सुबह सुबह चलने से माइंड भी फ्रेश हो जाता है, और देख सकते हो कि यहाँ पे बिल्कुल कोई भी चिंदा पिंदा कुछ नहीं है। और ये नालठी पार्क में बहुत ही ज़्यादा रश होता है, अभी तो सर्दी है, सर्दी के टाइम पे कोई भी नहीं आता है, तो मार्च और अप्रैल के बाद देखना किधर कितना ही रश होता है। तो सो गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब, लाइक शेयर ज़रूर करना, और कमेंट करके बताना कि आज की व्लॉग आपको कैसा लगा, और नालठी पार्क आपको कैसी लगी।